तो यहाँ पे ताऊ जी ये दंडालू बोलते हैं इसे हमारे पहाड़ी भाषा में, उसको तैयार कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं पुनः आपके साथ एक नए ब्लॉग में, मेरा नाम है विकास भट्ट और मैं आ रखा हूँ आजकल सलाण में, जो कि चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है और गवाणी से लगभग 5 किलोमीटर आगे है और यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे पड़ता है झलपड़ी और जहाँ से दीवा जाने का रास्ता भी है। तो जो दीवा देवी का मंदिर है वो यहीं है और अभी हम ठीक नीचे तलहटी पे खड़े हैं और वहाँ ऊपर चोटी में दीवा माँ का मंदिर है। यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी समस्या हो रही है और ये पीछे मेरे यह ग्राम सलाण, जो कि काफ़ी अच्छा प्यारा सा गांव है और काफ़ी बड़ा भी है। तो यहाँ पे आ रहे हैं हम भागवत में और आज यहाँ पे दूसरा दिन है। हम परसों आ गए थे तो कोटद्वार से आने के बाद और यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, इसलिए वीडियो आना भी मुश्किल हो पा रहा है। मेरी परसों की वीडियो आज जाके अपलोडिंग पे लगी है, उसी को हम अपलोड करने के लिए वल्ली छाला रखे हैं। वहाँ पे तो बिल्कुल भी जो नेटवर्क का सिंबल होता है बिल्कुल कट आ रहा है, तो वहाँ पे एक भी नेटवर्क, वोडाफोन हो गया, मतलब वोडाफोन भी कहीं कहीं भी पकड़ता है, सिर्फ वहाँ पर BSNL पकड़ता है, जहाँ जो कि BSNL हमारे पास है ही नहीं। तो मेरा जो है वो एयरटेल का और जियो का सिम है, तो वो दोनों में नेटवर्क नहीं है। तो काफ़ी अच्छा और बढ़िया गांव है और खेती बाड़ी भी अच्छी हो रखी है यहाँ पे, अच्छा लगा। तो यहाँ पे विवेक जोशी जी व्यास जी हैं और संगीत में हैं हिमांशु बौखंडी जी और मनोज पोखरियाल भाई है कीबोर्ड पे और मोहित भाई पैड पे हैं और तबले पे एक भाई हैं, वो उनको मैं पहली बार मिला, तो उन सब से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो अभी यहाँ पे वीडियो अपलोडिंग पे लगा रखे, वीडियो अपलोड करते हैं और वहाँ चल के आपको गांव का भी जो नज़ारा है वो भी दिखाते हैं और गांव के लोगों से भी मिलाने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी अच्छा परिवार है जहाँ पर कथा हो रही है और काफ़ी अच्छा गाँव है। तो अभी चलते हैं, वीडियो अपलोडिंग लगभग होने वाली है पूरी, तो अभी चलते हैं पल्लीछाल और फिर आपको अन्य लोगों से मिलाते हैं। तो चलो, यहाँ पे ये निरंकार जी का मंदिर, ये देखो लोगों ने अपनी खेती बाड़ी बड़ी बढ़िया कर रखी है। यहाँ पे देखिए मिर्च कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, जो सेब का पेड़ है अभी लगे तो नहीं है। और यह निरंकार देवता का मंदिर यहाँ पे और यह गाँव का नज़ारा देखिए। और यहाँ पे इस घर पे है हमारी रहने की व्यवस्था। यहाँ की छन्नियाँ जहाँ रहते हैं गाय बच्चे, ये देखिए आप, 1, 2, 3 और कितने छोटे छोटे इनके अंदर जाने के दरवाजे हैं, ये देखिए। और ये कुछ इस नज़ारा इस प्रकार का और बढ़िया है हिसाब किताब। यहाँ पे ताऊ जी ये दंडालू बोलते हैं इसे हमारे पहाड़ी भाषा में, उसको तैयार कर रहे हैं। दंडौली बोलते नहीं दंडौल, अरे जो सिंह तले गया लकड़ गया आके बोल देना, अच्छा किलड़ा, अच्छा मुंडी, अच्छा मुंडी, ये वाह अतरक, हता अतरक, अच्छा हतड़क, ये वाह अतरक, अच्छा इनका दिन ये नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो बैलों से लगाए जाएंगे। और यहाँ पे मतलब हम तो पता नहीं कितने सालों बाद ये चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया लगा ताऊ जी से मिलकर और उन्हीं के घर में हम रहते भी हैं, तो बड़े जी का लगना था तुम धामदगढ़ बड़े बढ़िया लगना,
सुंदर आनंद आनंद बिल्कुल जय हो। हाँ जी हाँ जी फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे इस घर में हो रही है कथा, और यहाँ पे सबके लिए शाम को भोजन की व्यवस्था की जाती है, इसलिए कुर्सी तख्ते लगाए गए हैं। और यहाँ पे किचन, आज कृष्ण जन्म तो इसलिए यहाँ पे तैयारी हो रही है। और यह है पंडित जी लोगों की किचन। तो अभी यहाँ पे जोशी जी हैं, पाक शास्त्री जी, वो अभी शायद अपने कमरे में चले गए हैं। हवन चल रहा है यहाँ पे, आज समापन है। बोखंडी जी और ये हमारे पोखरियाल जी और ये ध्यानी जी के बगल में जाने जी, मनोज भाई जी को आप जानते होंगे, और ये हमारे पंत जी। यहाँ पे हो चुके विदाई ब्यास जी के, और ये देखिए यहाँ पे हमारा सामान पैक हो रहा है, और सभी लोग ब्यास जी को छोड़ने आ रहे हैं।